आपको फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद कांग्रेस का इसी समय अरुणाचल जनता को क्या बोलना चाहते हैं? अभी दो बार तीन बार हमको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया है राहुल गांधी जी ने और मैडम सोनिया गांधी ने। उसको आज हमने एज्यूम किया ऑफिस को। एज्यूम ऑफिस करने के बाद अभी हम सोचेंगे क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत होगा और क्या प्रॉब्लम है। अभी स्थिति मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है, सब सारा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से आ जाने के बाद में फिर हम निर्णय करेंगे कि कैसे आगे कार्य किस प्रकार से जाएगा। और जरूर वो काबिल समझ के तो प्रेजेंट बनाया, उसका पार्टी का रक्षा करने के लिए कोशिश करूँगा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जरूर मेरा तरफ से जितना कर सकता है हम कोशिश करेगा। आपको पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन बनाया, हालांकि आपके एक अपोजिशन MLA है, तो आप पेमा खांडू गवर्नमेंट को कितना आभारी है? ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का विषय में चर्चा असेंबली में हुआ था और असेंबली में मेरा दोस्त होलिंग लोंगदोंग साहब जी ने उसका बात पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने ये कहा था कि सरकार को कि उसको निर्णय दोबारा लेना चाहिए या रिव्यू करना चाहिए ताकि MLA जो सीनियर MLAs है हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट कमेटी में चेयरमैन रहे, क्योंकि बहुत सीनियर लोग हैं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी है, डिप्टी CM भी है, मिनिस्टर्स भी हैं, सीनियर एक्स मिनिस्टर्स भी है। सब लोग चाहते थे कि DC का चेयरमैनशिप का अंदर में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेटस का सवाल है, उसका प्रोटोकॉल का सवाल में आता है। प्रोटोकॉल तो MLA लोग वनरेबल है, वो लोग तो रेस्पेक्टेड है, तो इसका विषय में चर्चा किया और गवर्नमेंट ने उसको फिर दोबारा चर्चा करके पेमा खांडू जी ने हमको भी बताया था कि ठीक है ये अच्छा सजेशन था, इसी से हम लोग कर दिया है। पार्टी बेस में नहीं किया है, ये बेस ऑन द एक्सपीरियंस सीनियरिटी एंड बेस ऑन दी देयर सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट में जो इसलिए वो बनाया बोल रहा था। अभी मांगा नहीं था आप, तो मांगा नहीं था मेरा मतलब, अभी भारतीय जनता पार्टी में एक स्लोगन चल सबके साथ सबका विकास और सबके साथ विश्वास, तो यही बात लेके सबके साथ विश्वास करके दिया जैसा लगता है ना, तो सबके साथ विश्वास करके दिया हो तो देन आप क्या बोलना चाहते हैं? ये सबका साथ सबका विकास और विश्वास तो BJP का स्लोगन है। हाँ वही यही बात लेके आपका क्या रिएक्शन है आप जब चेयरमैन मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट का भी वही शायद विचार होगा, सबके साथ सबका विकास और सबके साथ सबका विश्वास अगर दिला सकते हैं तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगा। अगर वो सबका साथ विकास और विश्वास अगर नहीं दिला सकने से फिर जवाब उनको पब्लिक से मिलेगा। तब तो आप ये अपोजिशन MLA को भी ऐसा प्लानिंग इम्पोर्टेंट रोल में देता बोल के आप अप्रिशिएट करते हैं ये गवर्नमेंट को? अप्रिशिएटेड बिकॉज वी हैव बीन मेड एज ए चेयरमैन एंड आई एम गोइंग टू डिसाइड फॉर माय डिस्ट्रिक्ट, इफ दे एक्सेप्ट ऑल माय डिसीजंस आई विल अप्रिशिएट देम। कभी कभी अरुणाचल में ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, कभी का कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, कोई किसी ने चीफ मिनिस्टर बनना है, ऐसा भी आ सकता है कभी दिन सिचुएशन, नाबम तुकी साहब ने CM बनना है लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा बोलने से, देन आप क्या करेगा? ऐसा स्थिति तो नहीं होगा, कभी कभी आ भी सकता है। वो आंधे दो समय देखा जाएगा। अभी आपको CLP लीडर मिल गया, इसी समय आप क्या बोलना चाहता है? CLP लीडर मिल गया वो कुछ वो अलग से कहने का तो नहीं है। आप ट्राई किया था? नहीं तो अभी ट्राई नहीं किया। अभी CLP लीडर बनने के बाद आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गया ना। हाँ हाँ। और आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, यही बात लेके आप पेमा खांडू गवर्नमेंट को आभारी है ना आभारी नहीं? देखिए पेमा खांडू साहब जो भी कदम उठाया तो उनका भी एक तो क्राइटेरिया जरूर होंगे, इन द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स आर सपोज टू बी द चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी एंड जिस डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्टर नहीं है उसका सीनियर मोस्ट MLA, तो अंडर दैट क्राइटेरिया हम भी आ गया होगा इसलिए आपको बनाया। अब पेमा खांडू साहब के साथ ज़्यादा अच्छा होता है बोल के आपको मिला है क्या ये चेयरमैन? अच्छा का बात नहीं है, ख़राब का बात नहीं है, हम जब भी रहा साथ में भी रहा, अभी ओपोजिशन में हूँ अभी भी
I always used to support on issue base. Agar for the good cause of the development of the state, agar kaam karega, hum principal opposition ka rehne se bhi to CLP wala mamla sawal to usi mein aata hai. So we will extend our full support. Lekin jo issue state ke interest ke liye nahi, to we will fight to tell nahi. कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का चेयरमैन तो ओवरऑल होता है, तो आप पेमा खंडू साहब का गवर्नमेंट का अंडर में आप बीइंग ए ओपोजिशन एमएलए चेयरमैन मिला है, तो उसका वजह से आप कभी कभी असेंबली में एज ओपोजिशन जो करना चाहिए थोड़ा कमजोर होगा क्या? ऐसे कैसे कमजोर होगा? ओपोजिशन ओपोजिशन का रोल को हमको करना होगा, बिकॉज एंटायर पीपल ऑफ दी स्टेट आर लुकिंग एट अस कि हम क्यों कमजोर करेगा जहाँ कमजोर नहीं होना, और हम बेमतलब का इशू क्यों हम रेज करेगा विच वॉज विच आर रियली बेसलेस. मतलब आप बहुत स्पेसिफिक हो गए. आई एम वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि मान आयन कानून नियम रूल्स मानने वालों को हम भी मानता हूँ, नहीं मानने वालों को हम भी नहीं मानता. मतलब आप प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. यस एग्जैक्टली. असेंबली में रेज करेगा एज ए ओपोजिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट. यस. अभी पेमा खंडू साहब के साथ एज ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी चेयरमैन वाला वो भी गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन वो भी स्टेट इंटरेस्ट में. स्टेट इंटरेस्ट में. और कभी दिन ये बात लेके फिर से मुलाकात होगा. वेलकम.